सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल का बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे साथ है सोहन और रोहित भैया। और आज की सबसे बुरी खबर है, आज है कितना तारीख, 2 तारीख है ना? हाँ, 2 तारीख है। तो आज फरीदाबाद में लॉकडाउन, 5 बजे के बाद लॉकडाउन लग चुका है और पता नहीं कौन कौन से शहर में लग चुका है लॉकडाउन। तो ये रेस्टोरेंट वालों के लिए बहुत ही बुरी खबर है, जितने भी व्यापारी भाइयों के लिए भी बहुत बुरी खबर है। अभी कुछ खास से पता तो है नहीं, अब 5 बजे के बाद ही देखने मिलेगा कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो खैर अब देखते हैं, 5 बजे के बाद लॉकडाउन लग चुका है और ओमिक्रॉन वगैरह बीमारी वगैरह सब बढ़ चुका है। तो खैर हम लोग तो अपनी दुकान पे ही, अब 5 बजे के बाद पता नहीं हमारा शाम का काम का क्या होगा। और नया साल की शुरुआत में ही इतनी बुरी खबर सुनने को मिल रही है। खैर कोई नहीं, देखते हैं अब क्या होगा, जो होने का वो तो होगा ही होगा। और आप सभी को, जितने भी मेरे YouTube फैमिली हैं, सभी को, सारे फैमिली वालों को नए साल की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। और भैया क्या कर रहे हो अंदर? अरे अभी मत डालो। तो मेरे साथ सोहन है, सोहन गया थोड़ा सा काम से बाहर, अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में, फिर आप लोग मिलाते हैं सोहन से और सोहन से पूछते हैं कैसा लग रहा है लॉकडाउन में। तो चलो अभी थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। सॉरी, मेरा नाश्ता पानी हो गया है और भैया गए हैं घर थोड़ा नहाने वाने के लिए, आधा से फिर से जाएंगे। तो मैं भैया का वेट कर रहा हूँ और मैंने मनाया है बस एक चाय पीता हूँ, फिर तो बाकी थोड़ी देर काम करना है, काम वाम करना है, फिर आपको देखते हैं क्या करना है। सो गाइस, आप लोग फाइनली क्या कर रहे हो आज? मतलब 31st है, जब मैं वीडियो डालूंगा तो हैप्पी न्यू ईयर हो जाएगा 1 तारीख। तो आप लोग कुछ करें या ना करें, बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा संभल कर रहे हैं क्योंकि अभी ऐसा चल रहा सिस्टम बहुत ही गंदा। सो गाइस, एंजॉय तो करना ही, एंजॉय करो फुल हमेशा, है ना? तो सो थोड़ा सा टेक केयर करके अपना संभल कर, जो करना है मस्ती करना। तो मैं भैया का वेट कर रहा हूँ, भैया आते हैं, भैया आने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, हमारा काम सारा ख़त्म हो चुका है और बहुत हो चुके हैं लेट। सोहन भी आ गया भूखे भूखे, कुछ खा के नहीं आया, अभी यहाँ घपा घप मार रहा है तो अभी तो कुछ प्लान बना नहीं है। भैया जल्दी बताओ क्या करना, क्या है? कुछ भी नहीं। ये हमारा इसमें वो है सारा ताम से झाम जो भी है रात का, अभी और कुछ करेंगे लेके आएंगे। तो भूख तो मेरे को लग रहा है, मैं भी थोड़ा सा फोन के साथ खा लेता हूँ बिरयानी। प्लान तो प्लान है यार, सुल्टा है तो प्लान यार, सुल्टा का तरफ से सोने नहीं देना है किसी को भी। तो केपसी को चिकन बना रहा हूं, अब उसके बाद में क्या क्या बना रहा है? होममेड। हां होममेड, होममेड हां भात का संग में मासू भात, कबाब मारेगा। सो गाइस चलो चलते हैं, थोड़ी देर में मिलते हैं आपसे, पहले मैं भी थोड़ा सा खा लूं, भूख लग रहा है। सोहन, लॉकडाउन लग गया है भाई साहब हमारे यहाँ पे, सेमी लॉकडाउन 5 बजे तक सिर्फ ओपन है और हमने दुकान कर दिया बंद। बंद नहीं मतलब चालू है, सिर्फ टेक आवे के सिस्टम हमने दरवाजे पे लगा रखा है एक टेबल। हम लोग यहाँ पे वो कर रहे हैं, सिक्योरिटी की काम कर रहे हैं अभी, कि अगर कोई आए हमारे कस्टमर तो ऐसा, ओनली टेक अवे अलाउड है, अभी गैदरिंग अलाउड नहीं है। और यही चीज़ हम लोग अगर पुलिस आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। अभी एक से बात हो भी गया, एक पुलिस वाले को सेटिंग कर भी दिया है, आगे चला गया नंबर दे के अपना तो बाहर सारी दुकानें बंद हो चुकी है, अभी मैक्सिमम दुकानें बंद हो चुकी है, पर हमारा रेस्टोरेंट इसी हमने भी ओपन कर रखा है। पता नहीं क्या सकता है, कुछ खास से पता नहीं है, देखते हैं अभी क्या होगा। आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, ये देखो बाहर की दुकानें हो चुकी है बंद, सिर्फ डोमिनोज अभी ओपन है और बाकी सारी दुकान उधर उधर तक दुकानें बंद हो चुकी हैं। और ये मैक्सिमम सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं और मेडिकल वगैरह खुला हुआ है, और जो क्या नाम है उसको क्या बोलते हैं, परचूने की दुकान है ना, कन्फेक्शनरी वगैरह खुला हुआ है और डेयरी वगैरह खुला हुआ है। तो पता नहीं ये सिस्टम समझ में नहीं आता यार, 5 दुकानें बंद करने से क्या हो जाएगा? दुकानें बंद करने से क्या है, कौन सा बीमारी है? ओमिक्रॉन कम हो जाएगा क्या? पर सरकार की तरफ से जो भी ऑर्डर आया उसको तो फॉलो तो करना ही पड़ेगा, तो चलो हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं, जहाँ तक है मास्क वगैरह लगा के ही रख रहे हैं, मास्क तो है सामने,
और ये यार पब्लिक को भी फॉलो करना चाहिए सरकार की बातें, जिससे ज़्यादा ना फैले। पर समझ में नहीं आता आप करें तो करें क्या, जिससे व्यापारी लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है इसमें। नुकसान भी क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद थोड़ा बहुत काम चलने का टाइम होता है। मैंने मैक्सिमम यहाँ इस एरिया में 80% तो ऐसी दुकानें हैं जो शाम को 5 बजे के बाद ही चलते हैं ना। 80% ऐसी दुकानें जो शाम को 5 बजे के बाद ही चलता है, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह हो गया, नॉर्मल जो भी हो गया, सब्जी की साथ सब्जी की दुकानें, क्योंकि लोग शाम को 5-4 बजे के बाद जॉब से आते हैं, अपने ऑफिस से आते हैं, तो सारा बहुत टाइम मिलता है। चलो ठंड का मौसम है, शाम को निकलते हैं, शाम को निकलते थोड़ा बहुत इधर उधर खाने पीने के लिए या फिर सब्जी वब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, और 5 बजे के बाद ही बंद कर दिया गया है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, आगे आपको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल अभी तो हम लोगों ने सेटिंग ऑफ कर दिया और सिर्फ टेक अवे कर रखा, तो टेक अवे का सिस्टम है अभी, बाकी बात सारे भीड़ तो कम ही रखेंगे। और आप लोगों बाहर एक नोटिस और चिखाना पड़ेगा उसका, नो मास्क नो फूड, नो मास्क नो फूड आफ्टर 5 PM ओनली टेक अवे। सो गाइस चलो चलते हैं, मिलते हैं अभी, देखते हैं क्या होता है, फिर आपको अपडेट करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स आज के काम की लग गई हमारी वॉट और हो गया लॉकडाउन। तो अभी ऐसा कुछ ऑर्डर हुआ नहीं है कि रेस्टोरेंट वगैरह बंद करने का, तो अभी देखते हैं। और आज का कुछ खास, सब लोग डरे हुए हैं और आज रोड भी सन्नाटा है, तो इसीलिए कोई बाहर है भी नहीं ज्यादा। और यह हमारा सूरज बैठा हुआ इधर टोपा पहन के, रेड टोपा, टोपा टोपा खतरा टोपा, और रोड इधर देखो पूरा सन्नाटा हो गया, लग रहा अभी 8 बजे भी 10 बज गया, 10-11 बजे जैसे सन्नाटा हो गया। और हम लोग भी अभी निकलने वाले थोड़ी देर में, प्लानिंग कल का करेंगे, कल किस हिसाब से काम करना है इवनिंग में, अभी हमें उतना कुछ पता नहीं था, तो इसीलिए अभी हम पूरा तरीके से तैयार नहीं थे। अब शायद थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, तो उस हिसाब से हम कल की तैयारी करेंगे। भैया चले घर, चले और घर जाने के लिए पहले दूध वगैरह सब कुछ रेडी हमारे पास। हाँ दूध दिखा, दूध दिखा, अमूल का दूध आके घर जाके चाय बना के मस्त पीएंगे, खाएंगे पियेंगे, सोएंगे। तो चलते हैं अभी घर, और मास्क वास्क पहन के, पता नहीं रात को जाएंगे, पुलिस वालों ने पकड़ लिया, डंडा वंडा लगा दिया, तो बस हो गया ठंडा, तो बाहर साला कुत्ते ही कुत्ता हो गया। तो वैसे भी चलते हैं हम लोग घर, सीधा घर जाके खाना पीना खाते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे यार, सोएंगे होएंगे शायद। चलो पहले हम लोग लेके चलते हैं घर, घर में क्या बना है खाना पीना देखते हैं। तो हम लोग पहले जा रहे हैं, शायद हम लोग पहले जा रहे हैं सोन का घर ना भैया। हाँ हाँ भैया कहाँ जाएंगे, सोन घर पहले घर जाएंगे, वहाँ से गाड़ी लेने के बाद, क्योंकि अभी स्कूटी में भी ज़्यादा चार्ज है नहीं और ठंड भी ज़्यादा है, जिससे पहले घर जाएंगे, घर से गाड़ी लेने के बाद सीधा सोन घर जाएंगे, क्योंकि सोन का कल ऑफिस भी है, सोन घर छोड़ेंगे रात को और सोहन के घर से ही डिनर करके अपने घर आएंगे, क्योंकि आज का डिनर सोहन के घर में है। तो मेरे ख्याल से क्या बना हुआ भाई, अपना तो एक ही चीज़ है गुरु, चिकन राइस, विदाउट चिकन राइस कोई नहीं टाइप्स। तो सीधा चलते हैं अभी घर, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलो हमने दुकान ऑफ कर दिया है, अब निकलते हैं, आज जल्दी ऑफ कर दिया सब। चलो गाड़ी ले ली है, घर से गाड़ी में बैठने, अब गाड़ी में तो मजा ही मजा है भैया, ठंडी नहीं लगती, मजा है कम से कम, ठंड नहीं लगती, बस यही मजा है। तो अब जा रहे सोहन का घर, सोहन भी बहुत एक्साइटेड है घर जाने में, क्योंकि रात ही बिताया और दिन भी बहुत बिताया, तभी घर जाके असेंडे वैसे मूड खराब हो गया, लॉकडाउन के चक्कर में पूरा दिमाग खराब है। नहीं यार हम लोग न्यू ईयर नहीं मना पाए, सबसे बड़ी बात इस बार हम लोग न्यू ईयर बिल्कुल भी सेलिब्रेट नहीं कर पाए, क्योंकि इनफैक्ट हमने वो बारबेक्यू भी नहीं कर पाए, सोचा तो बहुत कुछ था, सारा कचड़ा हो गया, पर कोई नहीं, देखते हैं इस बार कुछ अलग ही करेंगे, कुछ अलग सा धासे वाला करेंगे, जाएंगे जरूर बारबेक्यू नेशन, देखते रहिए लामा ब्लॉगर्स।
हम लोग सोच रहे थे बारबेक्यू नेशन जाएंगे, वहाँ पे कुछ देखते हैं क्या होता है, मैं तो कभी गया ही नहीं। बारबेक्यू नेशन एक्सोटिक एक किचन, नाम भी नहीं बोला जा रहा, इतना मीठा मीठा खाना बनता उधर। तो चलेंगे अभी, तो फिलहाल अभी जा रहे हैं सोहन के घर, वहीं पे भी बारबेक्यू नेशन। सो हमारा जो भी कुछ है, जो भी नेशन है, वहीं पे है। जल्दी पिकअप पकड़ रही है, देखो 100 कंट्रोल कंट्रोल 160 स्पीड में नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। 160 तो चलो मिलते हैं आप सोहन के घर में, क्या बना है पहले तो जाके भाई चाय पियेंगे, उसके बाद मेरे घर में जाओगे तो भाई कोई मिले या ना मिले तुनते मिलेगा मां कसम यार। तो आप लोग तुनते दाई से भी मिलाते हैं, बीड़ी पीने वाले जो आप लोग पहले एक दो वीडियो में देख लिए होंगे, तुनते दाई को भी मिल चुके हैं, फिर जाके मिलते देखते हैं क्या दुनिया का सबसे खतरनाक बंदा हो उसके बारे में एक अलग ब्लॉग बनाओगे, उसके बारे में बनाएंगे ना तो सब काम धंधा छोड़ देंगे, उनका हिस्ट्री एक अलग से बनाएंगे उनके, है ना भाई साहब। पूरी मूवी कौन आने वाली है, क्या चलने वाला है, कब मरेगा उसे पता था, मार्वल्स का इतना बड़ा फैन बन के बैठा, फैन को भी उतना नहीं पता होगा जितना उसको पता है, पर ब्लॉग व्लॉग बनाए तभी तो है कि नहीं, वो भी बनाता ही नहीं कुछ। तो चलो चलते पहले सोहन के घर में मिलते हैं उसी तुनते दाई से। तो मैं अभी तुनते दाई घर में आ गया, ये देखो तुनते दाई का दोस्त है, ये तुनते दाई का दोस्त बिल्ली मौसी। म्याऊ कर ना रे, बोल हेलो गाइस, हेलो दोस्तों बोल। तो ये तुनते दाई का बिल्ला की बिल्ली है भे? बिल्ली बता रहे थे मेरे को, तो बिल्ला लग रहा है। नहीं बिल्ला ऐसा नहीं होता, बिल्ला ऐसा नहीं होता, क्यूट नहीं होता बिल्ला, ये तो बिल्ली है। बिल्ला होता तो तेरा कुत्ता बना देता। ये है बिल्ली, तो इसका नाम पता नहीं क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम मीनू है, मीनू रखा ना उसने शायद, मीनू नाम है। वे सारा फालतू नहीं बोलने का क्या, तो अरे ओ त्रिक ओ बिल्ली रानी बड़ी सियानी क्या है। तो तुनते दाई आ जाओ जल्दी, तुनते दाई कहाँ है, तुनते दाई गया चाय का प्रबंध करने के लिए, इनसे मिलिए। ये इसके ऊपर बनाया कुछ सलाह, इन्हीं के ऊपर एक बनाने वाले वो हिस्ट्री क्या बोलते हैं उसको, जो कहानी बनाते हैं मिस्ट्री बनेगा जिंदगी का। ओए तुनते दाई, इनका नाम है बिक्की राणा तुनते दाई। मला यार रोहित भैया यार ते उसमें कस्टम बन दिया होता कहते नहीं मो जो कौन सा था जोगिनी वाटरफॉल, रोहित भैया कर सोन भाई वहीं से कूद जाओ, बोले हां भैया हां जिंदगी का आखिरी ब्लॉग बना दूंगा आपका, पता है। एकदम ऊपर चढ़ी गई थी वो जंप सोन भाई ने, क्या बात करे, हाँ जिंदगी का आखिरी ब्लॉग बना दो। क्यों ये मेरा चाय, ठंड का मौसम है तो मेरे को जितना भी चाय पिला दो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, चाय तो अपना हमेशा। ओके चाय पीते हैं फिर उसके बाद पिछले बार।